बीजी, आज का करवा चौथ का व्रत हमारे घर के लिए बहुत ही स्पेशल है। हमारी तीनों नई बहुओं ने आज पहली बार करवा चौथ का व्रत रखा है। जरा कथा जम के पढ़िएगा। करवा चौथ व्रत कथा। एक साहूकार के एक पुत्री और सात पुत्र थे। करवा चौथ के दिन साहूकार की पत्नी, बेटी और बहुओं ने व्रत रखा। रात्रि को साहूकार के पुत्र भोजन करने लगे तो उन्होंने अपनी बहन से भोजन करने के लिए कहा। बहन बोली, भाई अभी चंद्रमा नहीं निकला है, उसके निकलने पर मैं अर्घ्य देकर भोजन करूंगी। इस पर भाइयों ने नगर से बाहर जाकर अग्नि जला दी और छलनी ले जाकर उसमें से प्रकाश दिखाते हुए बहन से कहा, बहन चंद्रमा निकल आया है। बहन अपनी भाभियों को भी बुला लाई, किंतु वो अपनी पतियों की करतूतें जानती थी। उन्होंने कहा, तुम्हारे भाई चालाकी करते हुए अग्नि का प्रकाश छलनी से दिखा रहे हैं। किंतु बहन ने भाभियों की बात पर ध्यान नहीं दिया और भाइयों द्वारा दिखाए गए प्रकाश को ही अर्ध्य देकर भोजन कर लिया। इस प्रकार व्रत भंग होने से गणेश जी उनसे रुष्ट हो गए। साहूकार की पुत्री को जब अपने दोष का पता लगा, उसने पुनः विधि विधान से चतुर्थी का व्रत करना आरंभ कर दिया। इस प्रकार उसकी श्रद्धा भक्ति सहित कर्म को देखकर गणेश जी उस पर खुश हो गए। इस प्रकार जो कोई छल कपट से रहित श्रद्धा भक्ति पूर्व चतुर्थी का व्रत करेगा, वो सब प्रकार से सुखी होते हुए कष्ट कंटकों से मुक्त हो जाएगा। खुशी, खुशी क्या हुआ?